विद्युत परिपथ, विद्युत कंपोनेंट्स को जब व्यवस्थित रूप से आपस में जोड़ दिया जाता है तो बनने वाला परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। इसमें मुख्यतः बैटरी या विद्युत का स्रोत, संयोजक तार, एक कुंजी लगी होती है, इसके अलावा प्रतिरोध, डायोड, जहां अपन विद्युत का उपभोग कर रहे हैं वो कोई बल्ब या अन्य युक्ति हो सकता है। यदि इन सभी कंपोनेंट को अपन एक व्यवस्थित रूप से जोड़ देते हैं तो बनने वाला परिपथ विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिपथ और एक दूसरा बंद परिपथ। हर परिपथ में लगभग विद्युत स्विच काम में लिया जाता है या बटन काम में लेते हैं। जब स्विच को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगती है। चक्रीय रूप में बहने लगती है, इसे बंद परिपथ कहते हैं। जब स्विच को ऑफ कर दिया जाता है तो धारा प्रवाह रुक जाता है, और जब धारा प्रवाह रुक जाता है यानी परिपथ खुल जाता है, परिपथ विच्छेद हो जाता है, इसे खुला परिपथ कहते हैं। जब स्विच ऑन करेंगे तो धारा प्रवाहित होने लग जाती है और विद्युत का उपभोग होता है, इसे बंद परिपथ कहते हैं। स्विच या कुंजी को स्विच को ऑफ कर देते हैं तो परिपथ विच्छेद हो जाता है, धारा प्रवाह रुक जाता है, इसे खुला परिपथ कहते हैं। धन्यवाद।